तो शुरुआत में हम वेनेस्डे नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वो जैसे ही अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो फौरन ही उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ बंद किया। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो काटती है। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं, मगर एक बच्चा नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग पर काट ले। उसकी सरकत के बाद स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं। उसने पहली बार ऐसे नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वो बहुत सारे स्कूल से निकाली जा चुकी थी, तो इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक अकेडमी में ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ वेनेस्डे जैसे बच्चे ही पढ़ते थे, मतलब कि जिनकी हरकतें सबसे हटके होती थी। और वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। अकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है, मगर तभी कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेनेस्डे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुँच कर वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेनेस्डे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्फ्स, वैम्पायर्स, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं, और इस तरह के ही सारे बच्चे इस अकेडमी में पढ़ते हैं। वेनेस्डे के साथ जिसने कमरे में रहना था, यानी उसकी रूम में, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था, इसीलिए सब कुछ वेनेस्डे को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे तो बस काला रंग ही पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तब उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं, मेरी बेटी बड़ी अजीब है, काफी बोर है और बस इसे तुम जिंदा लाश समझो। अपने डैड की ये बातें सुनकर वेनेस्डे उन्हें घूरने लगती है। अब उसकी रूममेट उसे पूरी अकेडमी घुमा रही थी, तभी एक लड़का वहाँ आकर वेनेस्डे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वो कहती है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेनेस्डे की मॉम उसे कहती है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओ, जिस पर वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्दी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेनेस्डे पर नजर रख सके। उधर जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तो उन्हें उस शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ कि अकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। और वेनेस्डे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है, शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ, क्योंकि ये मेरे नॉवल लिखने का वक्त। मगर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है, जिससे वेनेस्डे को गुस्सा आ गया था और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। तो वो रूममेट अपने पंजे दिखाकर उसे डराने लगती है, क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी इधर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी और वो वेनेस्डे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट देती। अब अगले दिन जब वेनेस्डे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छुड़ा हुआ वो हाथ छुप छुप कर उसे देख रहा था, और फिर तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता। लेकिन इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो गई थी, और जब उसे होश आती है तो बजाय जेवियर का शुक्रिया अदा करने की वो उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। तब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया, लोग मुझे जलाने ही वाले थे, मगर तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचा कर हिसाब बराबर कर। वेनेस्डे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देकर फौरन उसे पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है, वही मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। और वो उसे कहती है, मगर आज की बात तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है, ये ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेनेस्डे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेनेस्डे का दिमागी तवाजन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसे फौरन उसे ख्याल आता है, जिसमे वो देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमे वो मर गया है बड़ी बेरहमी से। मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद। वो एक होटल में जाती है
है जहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई। वेनेसडे उसे कहती है, मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो मान भी जाता है और वेनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। इस पर वो कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है फिर हम चलते हैं। और वेनेसडे जब वहाँ बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी कोई शरारती लड़की आकर उसे परेशान करने लगती है, जिससे उसे गुस्सा आ गया था और वो उन लड़कों को अकेली ही काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। अब इतनी ही देर में उस वेटर के डैड जो एक पुलिस ऑफिसर थे वहाँ आ जाते हैं। तोड़फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ अकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है, उनसे सॉरी बोलकर वेनेसडे को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो उस पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है जो उसी आदमी का था जिससे वेनेसडे टकराई थी, जो देख प्रिंसिपल घबरा जाती है। कहती है, मेरी दुआ है ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। जिस पर वेनेसडे कहती है, वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर अकेडमी में आने के बाद वेनेसडे गिटार बजाने लगती है। वो काफी अच्छा बजा रही थी जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती। रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है, जिस बारे में वो वेनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है। जिस पर वो जवाब देती है कि ये हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक सफा फाड़ लेता है जिस पर एक तस्वीर बनी हुई। उधर हाथ मीटर के घर पहुंच जाता है जिसे देख वो काफी डर गया था और उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने का कहता है। फिर जब वेटर उसे कॉल करता है तो वो कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है जहाँ सभी बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान भी जाता है। जब वो त्योहार में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नज़र मुझ पर ही है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने का कहती है। अब वेटर वहाँ आकर वेनेसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है जो उसने अपने डैड की फाइल्स में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर जो थे। अब उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे वो यहाँ से जाने लगती है तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। टकराते ही वेनेसडे को उस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं कि वो थोड़ी देर में मरने वाला है, जो बहुत ही भयानक थी। वो लड़का अब जंगल की तरफ जाने लगता है तो वेनेसडे भी उसके पीछे जाती है और कहती है, रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है तो मर जाओगे। मगर तभी वो उसे अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर लगा देता है और कहता है, खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था, जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था और ये उस वक्त की बात है जब वो इस अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की इन्हें तुम्हें मुझे रोकना होगा, नहीं तो तुम इस अकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। वो बस वेनेसडे को मारने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है। इसके बाद हम वेनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसने यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं क्योंकि वेनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़के की मौत मैंने अपनी आंखों से होती हुई देखी जंगल में, मगर पुलिस को वहाँ ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। तो वेनेसडे से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को जंगल में कर क्या रही थी। इस पर वो कहती है, मैंने जंगल में उस लड़के को जाते हुए देखा था और जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर उसे मार दिया है, जिसके बाद में बेहोश हो गई। तो फौरन प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर से कहती है, उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है, इसीलिए आपको वेनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते, हम इसका इलाज करवा रहे हैं, जल्दी ये ठीक हो जाएगी। फिर जब प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वो ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है और उसी ने उस लड़के को भी मारा है, मगर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत भी। अब अगले दिन जब वेनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई कि सभी की तवज्जो तुम पर
हो जाएगी, यानी कि तुमने उस लड़के की मौत होते हुए देखा। उस पर वो कहती है, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, ओके मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसी लड़के को बगैर किसी वजह से एकेडमी से निकाला जा रहा है, इसीलिए वो अपने साथी उस साथ को उस लड़के के पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिस मकसद के लिए वो क्लब ज्वाइन करती है, जहाँ उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। जब हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है, जहाँ पहले वो एक बुरा इंसान और फिर अकेडमी के प्रिंसिपल का रूप ले लेता है, जिसके बाद हाथ आकर ये सारी बात वेनेसडे को बता देता है। अब जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उसे कहता है कि मेरी साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ बैठ जाओ, तो वो उसके साथ आकर बैठ जाती है। जेवियर यहाँ मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और फिर अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेनेसडे उसे मार देती है और उसकी राख उड़ा देती है। अब एक लड़की जो काफी बदतमीज थी और विलन भी थी, उसकी और वेनेसडे के बीच काफी बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी चिढ़ती थी, एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। फिर इसके बाद वेनेसडे अपनी जगह अपनी रूममेट को उस क्लब में भेज देती है, जहाँ वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी, और खुद वो अकेली ही चली जाती है एकेडमी की उस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेनेसडे को वहाँ उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर को मारता हुआ इसने देखा था। और अब जैसे ही वो इस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वहाँ एक किताब भी दिखती है, तो वो उस किताब को खोजने लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती, जिसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहती थी। वेनेसडे और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे थे, मगर तभी यहाँ जेवियर आ जाता है, जिस वजह से वो बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आती है और उसे कहती है, तुम उसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो सुलह कर लो, जिस पर वो मना कर देता है। अब उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि ये सब वो वेनेसडे की वजह से कर रहा है, इसीलिए वो कहती है कि कल मैं वेनेसडे समेत तुम्हारे सभी साथियों की कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बेड के नीचे छुपे वेनेसडे और हाथ भी उसकी ये बात सुन लेते। कमरे में वापस आने के बाद वेनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूँ, और कुछ भी हो जाए उस घमंडी लड़की यानी विलन को मैं हरा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी असूल कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वही टीम जीत जाएगी, जिसके फौरन ही बाद गेम शुरू हो जाती है और विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपने एक जिलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तुड़वा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वो जिलपरी वेनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ उससे पहले ही जाल फेंक कर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक सिर्फ तीन ही टीम्स पहुंच पाती है, और जब सारे लोग झंडा लेने अंदर जाते हैं तो रूममेट अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। फिर सभी के साथ वेनेसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो उसे ख्याल आता, जिसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में किताब थी। होश में आने पर झंडा लेकर वो वापिस से कश्ती में चली जाती है। जोकर की कश्ती तो छेद होने की वजह से वहीं पर ही डूब जाती है, जबकि जिलपरी दोबारा से वेनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, मगर हाथ पानी में जाकर जिलपरी को जोर से मुक्का मारता। अब वेनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकाल कर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था जब उस विलन को किसी ने हराया था, इसलिए आज वो गुस्से में आग बगोला हुई। रात के वक्त वेनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में किताब थी। किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जैसे उसके अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसकी मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसे वहाँ वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, मगर जैसे वो उस किताब को वहाँ से लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उसे जैसे होश आती है तो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है, जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे, मगर उनकी आवाज़ सुनते ही वेनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपने अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे। इसी दौरान वो अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते वो कहती है तुम सब छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। वापिस आने के बाद वो उस तस्वीर को किताब पर लगाकर मुकम्मल करती है, जिसे उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था, और वो उसे पढ़ने लगती। अब अगले दिन
प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो, जिस पर वो कहता है हाँ। इस किताब को लेकर मेरे उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो? ये सुन वो उसे पूछती है तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो? वो कहता है कुछ खास नहीं, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा जो काफी पुराना एक खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। वेनेसडे एक वेट्रेस बनी थी मगर उसका नखरा गुस्सा देकर कोई भी उसे खाने की चीज नहीं लेता। वेनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और बस फिर होना क्या था, वेनेसडे वहाँ आती है और उन्हें खूब मारती है। इसके बाद वो अपने उस दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है और उस किताब के बारे में भी। उसे वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। पेंटिंग में वो उसी लड़की को किताब पकड़े हुए देखती है जो उसे गुफा के पास भी दिखी थी। उसके ख्याल में जब उनकी रेस में वेनेसडे झंडा लेने गई, फिर उसे वहाँ इस पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती है मगर वो खाली थी क्योंकि वो नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ एक औरत आती है तो वेनेसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो ये भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेनेसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, तो वो उसे असली घर के बारे में बता भी देता है। जहाँ से वेनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है ये मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तब ये सुन वेनेसडे का साथी वो हाथ उसके मुंह पर ही हमला कर देता है जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वेनेसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। मगर जब वो दरवाजे से बाहर जाती है तो फौरन उसे ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है जहाँ उससे पहले और भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी, कोई वेयरवुल्फ तो कोई चुड़ैल, इसीलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इस तरह के सभी लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वो इस पूरे घर में आग लगा देता है। वो बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो अपनी मॉम को आजाद करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन के साथ बांधा हुआ था, सिर्फ वो बच्ची ही आजाद थी। इसीलिए अपनी माँ के कहने पर उसे बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है जिसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की वेनेसडे के पास आती है और कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। तब इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है जिससे वेनेसडे डर जाती है और वापस से होश में मतलब कि मौजूदा वक्त में आ जाती है। होश में आते वो हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को देख लिया, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। तभी यहाँ जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है मगर जब उसकी नज़र वेनेसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। वेनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं मगर देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानी पैरों के निशान में बदल गए। अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर इस जगह पर लगाया जाने वाला था क्योंकि शहर के लोग तो उसे अपना हीरो ही मानते थे। और आज वेनेसडे को वहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था लेकिन वो लोग जैसे मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं तो तभी वो हाथ रेली फेंक कर मूर्ति को आग लगा देता है क्योंकि वेनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं मगर वेनेसडे अभी भी वहाँ बैठी गिटार बजा रही होती है, साथ ही वो मूर्ति को जलता हुआ देखकर खुश भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेनेसडे पर ही शक था मगर उसके खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं था। अब जादूगर के जिस पुराने घर में वेनेसडे गई थी जहाँ वो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी वही रुका हुआ था मगर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है लेकिन मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरा में बना ही लेता है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो फौरन छानबीन करने पहुँच जाती है जहाँ उन्हें बूढ़े आदमी के कैमरा से मॉन्स्टर की तस्वीर भी मिल जाती है। अगले दिन हाथ मुर्दा घर जाकर वहाँ लगे कैमरा पर कोई चीज लगा देता है ताकि जो वो करे उसे कोई ना देख सके। फिर वो दरवाजा खोलता है तो वेनेसडे अंदर आती है। वो यहाँ दरअसल उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो बूढ़े आदमी की लाश को देख कर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है जबकि हाथ उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। तब छुपने के लिए वेनेसडे एक बॉक्स में सो जाती है। जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखते हैं तो फौरन उसे चेक
करते हैं, मगर जब वेनेसडे को उसमें पड़ा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी एक लाश है, इसीलिए वो उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर फिर जब हाथ उसे वहाँ से लेने आता है तो वो कहती है, अच्छा तंग मत करो प्लीज, थोड़ी देर और सुने तो बड़ा मजा आ रहा है। फिर इसके बाद वो अपनी छानबीन से ये पता लगवा लेती है कि वो मॉन्स्टर असल में जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। पर अगले दिन जब वो एकेडमी जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। अब हम जेवियर को एक केबिन से बाहर आता हुआ देखते हैं, और क्योंकि वेनेसडे को उसके जख्मों पर पहले से ही शक था तो वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ गई थी। उसे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर की ड्रॉइंग्स और तस्वीरें दिखती हैं। एक तो तस्वीर को लेकर जैसी वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी जेवियर उसे देख लेता है और जाने से रोक देता है। मगर वेनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे बस एक ही बात कह देती है कि क्या तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे, जिसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्रॉइंग्स ले जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है, जिस पर वो कहते हैं इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब वेनेसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, जिसके बाद वो वेनेसडे को उस जगह पर ले जाता है जो एक गुफा थी जिसकी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने पर उसे वहाँ एक नोकदार बड़ा सा नाखून भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है, जिसके बाद वो जेवियर के पेंटिंग वाले केबिन में जाती है और डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकाल कर अपने पास रख लेती है। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ मेरे केबिन में क्या कर रही हो। उसकी बार डालकर वो उसे पूछती है, ये जो चोट तुम्हारी गर्दन पर है ये तुम्हें कैसे लगी। तब वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्रॉइंग्स बनाता हूँ, मगर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्रॉइंग के अंदर से मॉन्स्टर की पंजे ने निकल कर मुझे नोच लिया। लेकिन अब क्योंकि वेनेसडे उस पर शक कर रही थी इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन उसे यहाँ से जाने का कहता है। अब वेनेसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है और कहती है, ये लो ठोस सबूत और बेशक डीएनए टेस्ट करवा लो, मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा, है ना। वो अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते। जिसके बाद रात को वेनेसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, मगर तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है क्योंकि हाथ ने उसे वेनेसडे की तरफ से डांस पार्टी में चलने की दावत भेजी थी। अब क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेनेसडे उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने गुफा में जाने वाले प्लान को खत्म करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। जब वेनेसडे वहाँ से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहाँ आता है तो वो उसे कहती है, आई एम सॉरी मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम ऐसा करते हैं कल गुफा में जाएंगे। लेकिन उसका दोस्त बगैर बताए अकेला ही उस गुफा में चला जाता है। उधर पार्टी में सारे लोग आकर काफी इंजॉय कर रहे थे, सब लोग अपने अपने साथी को लेकर पार्टी में आए हुए थे जहाँ जेवियर अपने साथ उस विलन लड़की को लाया था। लेकिन जब वेनेसडे वेटर के साथ वहाँ आती है तो उन दोनों को साथ देकर जेवियर जलने लगता है। जब सब लोग डांस कर रहे थे तो वेनेसडे की डांस करने की स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी अजीब तरह से ही डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेनेसडे का दोस्त भी पहुंच गया था और छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था, मगर तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा में धमाका करके भाग जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसीलिए वो विलन लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपने जेल परी से मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेनेसडे को भूल जाऊँ। जिसमें विलन लड़की भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम तो पहले ये कहते फिर रहे थे कि मैंने अपने जेल परी से तुम्हें अपने काबू में किया है और अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। तभी बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप टैंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पंप में वो बड़ा सा पाइप लगा देते हैं और फिर तभी अचानक उस पार्टी में खून की बारिश होने लगती है क्योंकि जो टैंकर वो शरारती लड़के लाए थे जिसका पाइप उन्होंने लगाया था उसमें दरअसल खून था। ये देख सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं, मगर वेनेसडे वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे तो अब और मजा आ रहा था क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी जिसमें वो काफी इंजॉय कर रही थी। तभी वेनेसडे को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है जहाँ वो मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो जंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भाग जाती है। उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता ही है कि तभी वेनेसडे उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तब मॉन्स्टर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्त को बेहोश पड़ा हुआ देखकर काफी घबरा जाती है। इतनी ही देर में उसकी टीचर भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ गई थी, जिसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वेनेसडे खुद वापस अपनी एकेडमी में आ जाती है जहाँ वो अपने डैड पर लगी इल्जाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या। एकेडमी में सारे माँ बाप
अपने बच्चों से मिलने आते हैं क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल सबको बताती हैं कि वेनेसडे के दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, कुछ दिन के बाद ठीक होकर वो वापस आ जाएगा। मगर दूर खड़ी वेनेसडे अपने रूममेट को बताती है कि ये झूठ है, वो तो कोमा में है बेचारा। तभी यहाँ दोनों के माँ बाप आ जाते हैं और ये उनसे मिलने चली जाती है। वेनेसडे अपने मॉम डैड को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। अब इन सभी को अपनी अपनी फैमिली से मिलता हुआ दूर खड़ी जेवियर और विलन लड़की देख रहे हैं क्योंकि उनकी मॉम डैड आज भी नहीं आए। अब विलन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसके जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी, तो अब से हम उसे जेवियर की दोस्त कहें। तब इतनी ही देर में उसकी मॉम भी इधर आ जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। वेनेसडे की माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वो कहती है कि वेनेसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाएं इलाज करवाने के लिए। अब इससे पहले वहाँ उसके माँ बाप कुछ कहते फौरन वो बोल पड़ती है कि रुके जरा डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखिए एक लड़का जिसका नाम गैरेट है, इसके कत्ल का इल्जाम आपके सर पर क्यों है और ये कौन था? तो वेनेसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तो वो अपनी मॉम को ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ढूंढ लूँ। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने, जहाँ उसका ख्याल वेनेसडे का साथी हाथ रख रहा था। अब पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है और ये डॉक्टर वही था जिसकी मुर्दा खाने से वेनेसडे बूढ़े आदमी की लाश को देखने आई। मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरेट के केस पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तो तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर वेनेसडे के डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि गैरेट की मौत के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है, पूछती है कि बताएं गैरेट से आपका क्या वास्ता है। तो वो बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, फिर एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ थे तो गैरेट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया, मैंने अपना काफी बचाव किया जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। ये सुन वेनेसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है, फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, कहती है मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा और ये उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, जिस पर वो कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है मैं नहीं मानती और मेरा ख्याल है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसने ही गैरेट मारा होगा। पार्क में रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठी थी जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, मगर रूममेट ऐसा नहीं चाहती इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब वेनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी, वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये सिर्फ अकेडमी ही नहीं बल्कि पहले यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी जिसका नाम गुडी था। वो कहती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है। तब उसकी मॉम सच्चाई बताती है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ रहे थे, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर गैरेट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा था, मैंने फौरन तलवार उठा ली और फिर जैसे गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया, मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेनेसडे कहती है मगर मुझे पता चला था कि जब गैरेट मरा तो उसके मुंह से जाग निकल रही थी, ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती है, मगर तभी इधर पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेनेसडे गैरेट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है, कहती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी, मगर जैसे उसके हाथ इस उंगली पर लगते हैं उसे फौरन एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वो इस पूरे अकेडमी के लोगों को मार डाले, मगर जब उसकी लड़ाई वेनेसडे के डैड से हुई तो जहर की बोतल टूट गई जिससे सारा जहर गैरेट के अंदर चला गया, जिसका मतलब साफ था कि उसने वेनेसडे के डैड को ही नहीं बल्कि पूरी अकेडमी को ही खत्म करने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती है, कहती है आपने गैरेट की मौत के सच को छुपाया, उसकी मौत जहर से हुई थी न कि तलवार से और ये बात साबित भी हो गई है, जो सुन मेयर सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद वेनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे खानदान में है, ख्याल सबको आते हैं, अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना सकते हैं, इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो वेनेसडे फौरन बोलती है जैसे गुडी एडम्स जिसके बारे में आपने बताया था कि वो मेरे डैड के खानदान की है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, बहरहाल तुम होशियार रहना क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती थी
जिसके चक्कर में वह खुद भी नहीं बच पाई। फिर सबके माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। रूममेट अपनी मॉम को कहती है, आप फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊँ। जाने से पहले वेनेसडे की मॉम उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है, कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। मैं ये बात अब पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये चेक करने जब वहाँ जाती है तो पता चलता है कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ। अब वेनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियाँ जला के बैठी थी क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही, मगर तभी इधर उसकी रूममेट आ जाती है। साथ ही उसे एक खत भी मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने बुलाता है। जब वेनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहाँ जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है। यहाँ दरअसल जेवियर और उसके साथी थे जो वेनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। यहाँ वेनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। इसे जैसे वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है जिसमें वो उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि गुडी ही है। वो वेनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढकर यहाँ आना होगा। जब वो ग्राउंड में खड़ी उस लाइन को देख रही थी जहाँ आग से कुछ लिखा था, तो तभी उसके पास जेवियर आता है जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि नाराज थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर था और उसकी हालत भी खराब थी, इसीलिए वो उसे कोई बात नहीं कर पाती। अब वेनेसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे उस महल जो गुडी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, जिस पर वो मना कर देता। अब यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ, इसीलिए वो तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, मगर तभी उसकी नज़र इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि ये जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसे बना दिया। अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तब उसी महल का पता लेकर वेनेसडे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मेयर पहले से ही मौजूद था, और क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेनेसडे उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है। मगर जैसे मेयर की गाड़ी शहर में पहुँचती है तो कोई उनकी गाड़ी को ठोक देता है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी जख्मी हो जाते हैं, उनकी हालत मरने वाली हो गई। फिर अब रात के वक्त वेनेसडे वेटर और अपने रूममेट के साथ उसी महल में आती है। यहाँ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है क्योंकि मोमबत्तियाँ गर्म थी और एक कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है जिससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वेनेसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। ये वेटर के घर जाते हैं जहाँ जैसे उसकी डेड आती है तो वेनेसडे उन्हें कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो जब उन्हें महल में ले जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले यहाँ पर रखे हुए थे अब वो वहाँ पर नहीं पड़े थे, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। अब जब वेनेसडे एकेडमी आती है तो वहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है जो कहती है कि तुम्हें मैंने कहीं भी जाने से मना किया था मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया, जिस पर वो जवाब देती है मैं सच का पता लगवाने गई थी इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेनेसडे खुद थी। बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि एकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, मगर खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, जबकि मैं तो इस एकेडमी और सबको बचाना चाह रही हूँ तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। प्रिंसिपल कहती है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी, और वहाँ से वो ये कहकर चली जाती है। वो जब अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि रूममेट अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वो यहाँ से जा रही है। वो गुस्से में वेनेसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम ही निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान क्यों ना चली जाए, आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब वेनेसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी इसलिए कमरे में एक जगह बैठकर वो उस बॉक्स को देखने लगती है वो जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। उसे बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें वेनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जो देख वो कहती है
मेरी एडम्स फैमिली जादूगर मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, देखना। अब मेयर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेनेसली वहाँ आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ आए लोगों में से ही कोई है, मगर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है। वो पीछे करती है तो पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे छुप के रहना होगा। जब वेनेसली उन्हें एक केबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, जिस पर वो कहते हैं मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, अगर तुम्हें इसके बारे में जाना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा, वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा है। आधी रात को वेनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से ही मौजूद था। तब ये उसे कहती है जहाँ जहाँ मॉन्स्टर से हमला हुआ है वहाँ तुम पाए गए हो, तो हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो, मगर वो उसकी बात को अनसुनी करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसके अंकल आते हैं, ये मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वो अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तू मेरी डायरी का ख्याल रखना। कि जब वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापिस आकर वेनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी कोई चुरा कर यहाँ से ले गया है। फिर जैसे वो अपने साथी हाथ को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उसमें जान नहीं थी, वो मर गया था। फिर वो हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास आती है और दुखी होती हुई कहती है प्लीज अंकल कैसे भी करके हाथ को जिंदा कर दीजिए। तब अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देती हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। वो उसे पूछती है अच्छा तुम पर हमला किसने किया था, जिस पर इशारों से वो बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। जिस पर वेनेसडे गुस्से से भर जाती है, कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी वो जो भी है। अब वो प्रिंसिपल को आकर कहती है किसी ने मेरे कमरे में तोड़ फोड़ कर दी है, साथ ही कोई उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसे आई, तुम ऐसी हरकतें मत करो कि एकेडमी को बंद करना पड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर जब वेनेसडे वहाँ से जा रही थी तो तभी उसके पास उसके साथी आते हैं और उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था उसकी मॉम को किसी ने डबोकर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथियार ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेनेसडे को दिमाग के डॉक्टर पर शक होता है, इसीलिए वो सीधा उनके पास जाती है। कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गैरेट की मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, अब बस कर दो तुम्हारा खेल खत्म हुआ, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आती कि क्या बोल रही थी, इसीलिए वो फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है। कहती है वेनेसडे आई थी उसका बर्ताव काफी अजीब था, उल्टी उल्टी बातें कर रही थी वो। अब तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी इसीलिए वेनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है, इसीलिए वो उसे मिलने उसके केबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। अब तभी इधर पुलिस भी आकर जेवियर को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेनेसडे ने ही बुलाया था। अब जब वेनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी, कहती है तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। फिर इसके बाद वेनेसडे वेटर के पास जाती है जहाँ उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगते हैं जिनमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है जिसे वो पसंद करती है, मगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती, उसे एक जगह पर लाती है और फिर कहती है कि जेवियर को तो फसाया जा रहा है जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो, मगर वो इसके लिए बार बार मना करता है। तभी यहाँ वेनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं और वेनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वही मॉन्स्टर है ये, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है, कहता है कैसा लगा हारना, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है बच्चों। जिसके बाद प्रिंसिपल भी वेनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी इसीलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, मगर फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। तब आखिरी बार वेनेसडे जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेनेसडे ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वो उसे बताती भी है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फसाया है, वो उसकी एक नहीं सुनता कह देता है इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, अगर तुम ये एकेडमी छोड़ के चली जाओगी
तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान पैक करती है, जिसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। कहती है, मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, बाहर मत निकलना, भाई मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी, जिस पर वो कहता है, नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, जबकि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और कहती है, बाकी लोग तो बिला वजह मारे गए हैं, जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारों पर नचाकर लोगों को उसके जरिए मरवाया। तभी यहाँ वेटर भी आ जाता है, जिसे वो टीचर कहती है, जल्दी करो वेनेसडे को मार दो। लेकिन दरअसल ये वेटर नहीं थी बल्कि प्रिंसिपल थी, जो रूप बदल कर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में जहर का इंजेक्शन घुसा देती है, जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। फिर वो वेनेसडे को भी बांध कर जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आकर वेनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा किया गया था, वो दरअसल जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ टीचर, जो असली विलन थी, वेनेसडे को बताती है कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था, तो गुडी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था। और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुडी की फैमिली, मतलब एडम्स फैमिली के ही किसी इंसान का खून चाहिए, साथ ही पूरे चांद की रात भी हो। और अब हमें ये सुनहरी मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का, क्योंकि एडम्स फैमिली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है, हम तुम्हारा खून लेंगे। जिसके बाद टीचर वेनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। और फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेनेसडे को चाकू मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ गुडी एडम्स आती है और वेनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब कि उसके जख्म, और कहती है, मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, मगर अब के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेनेसडे जा रही थी, तो तभी उसके सामने वेटर आ जाता है। उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर बनकर उस पर हमला कर देता है। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ एक वेयरवुल्फ आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि रूममेट थी, जो आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ वेनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और उसे काफी मारती है, अच्छा मजा चखाती है। इसके बाद वेनेसडे जादूगर से लड़ने, उसे रोकने के लिए अकेडमी में आ जाती है, जहाँ वेनेसडे को बचाने के लिए जेवियर पहुँच जाता है। अब जैसे जादूगर जेवियर को मारने वाला था, तो तभी सामने वेनेसडे आ गई थी और वो बेचारी खुद जख्मी हो जाती है, मगर फिर भी वो जेवियर को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी अकेडमी वालों को बाहर निकालो, क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में तलवार भी थी, जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ती है, मगर जादूगर काफी ताकतवर था, इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी इधर जेवियर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है, जिस दौरान मौका देकर वेनेसडे उठती है और तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने को कहा था। जहाँ जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और उन्हें उसका जिस्म जलने लगता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है, जिसके हाथ में गन थी, जिसे वो वेनेसडे पर तान देती है, क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। मगर तभी यहाँ वेनेसडे का दोस्त भी आ गया था, जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। वो उन सभी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है, जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। जब वेनेसडे अपने मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है, जहाँ सारे लोग खड़े थे, तो वो वहाँ अपने रूममेट को भी देखती है, जो अब वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलती है, मगर हैरत, अब वेनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद वेनेसडे अपना नॉवल भी पूरा कर लेती है, मगर वो इसका एंड नहीं करती, इन्हीं की उसे खत्म नहीं करती और आगे बस एक सवालिया निशानी छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है, जिसमें मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है, मगर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में थी, तो उसके पास मैसेज आता है, जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ ही ये मैसेज भी था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है, मगर अब उसके बाद ये कौन है जो सब कर रहा है। इसी सोच में वो अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, जिसमें वो वेटर को बांध कर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इसे बस कोई कंट्रोल करता है। मगर तभी अचानक से वेटर दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है, जिसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और वो लोगों को मरवाता रहेगा इसके जरिए। और ये अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेनेसडे को मैसेज किया, यानी
कि अभी भी कोई है जो एकेडमी को बंद करवाने में लगा है और मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना आम ही रहेगा और इसी के साथ ही ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।